मूवी की शुरुआत में प्रीस्कॉट एकेडमी एक गवर्नमेंट रन सीक्रेट इंस्टीट्यूशन को दिखाते हैं जो छोटे बच्चों को असासिन बनने की ट्रेनिंग देता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ हार्डमैन इन बच्चों को 10 महीने की उम्र से यहाँ ले आता है और बिना किसी बाहरी दुनिया के कनेक्शन में इन्हें जिंदगी के बारे में सब कुछ सिखाता है। प्रीस्कॉट एकेडमी के इन्हीं छोटे बच्चों को किलिंग मशीन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब 3 साल की उम्र में इन्हें इनकी हाइट से भी ज्यादा लंबी बंदूकों को चलाना सिखा दिया जाता है और 5 साल के होते ही इन्हें गाड़ी चलाना सिखा दिया जाता है और 1 साल में तो ये इतने माहिर हो जाते हैं कि एक कार चेस में भी शामिल हो सकते हैं। रोजाना ये लड़कियां तरह तरह की फाइटिंग स्किल्स पर काम करती हैं ताकि जब भी ये टीनेजर बने तो इन्हें खतरनाक मिशन पर इस्तेमाल किया जा सके और कोई इन पर शक भी न करे। हार्डमैन का सबसे जरूरी नियम ये है कि ये लड़कियां आपस में कोई रिश्ता न बनाए और इसी नियम के कारण लड़कियों के अनाथ होने के बाद भी इन्हें आपस में कोई मेल नहीं होता। इन लड़कियों को कोई काम नहीं दिया जाता, इन्हें इनके एजेंट नंबर से बुलाया जाता है। इस वक्त इनका बेस्ट स्टूडेंट नंबर 83 जो एक किलर की तरह शूट करती है और सबसे अच्छी फाइटर भी है, मगर इसे कोई रिश्ता न बनाने वाले नियम कभी समझ ही नहीं आता। एक दिन इन लड़कियों को एक डॉल में पहन घूमने का काम दिया जाता है। जहाँ हर लड़की एक काम कर रही होती है तो वहाँ 83 उस डॉल को अपने गले से लगा लेती है। अब ये देखकर हार्डमैन उसे बाकी लड़कियों के लिए एक बुरा एग्जांपल बताता है और उस डॉल का सिर फाड़ देता है। नंबर 83 के अंदर इमोशंस का पहाड़ बन रहा होता है जो कभी भी फट सकता है। जैसे जैसे समय गुजरता है नंबर 83 बहुत ही अच्छी फाइटिंग स्किल्स के साथ एक टीनेजर बन जाती है। उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नंबर 84 है जो हमेशा से ही हर चीज में सेकंड रही है। नंबर 84 उससे बहुत ही नफरत करती है और अगर वो लोग एक ही एजेंसी के लिए काम न कर रहे होते तो उसे मार भी सकती थी। नंबर 83 को सबसे पहले एक्टिवेट किया जाता है जिसका मतलब ये है कि वो पहली लड़की है जिसे किसी डेंजरस मिशन पर भेजा जाएगा। और ऐसे ही हर बार की तरह नंबर 84 इस बात से खुश नहीं होती, मगर उसके पास इस बात का विरोध करने का कोई अथॉरिटी भी नहीं होती। अब एक्टिवेट कर दिए जाने के बाद नंबर 83 मिशन पर जाती है और क्योंकि वो एक टीनेजर है उस पर कभी भी कोई शक नहीं करेगा। वो अपने सारे मिशन बड़े ही आसानी से कर लेती है और हार्डमैन इससे बहुत ही खुश हो जाता है, मगर आज भी उसे एक नॉर्मल जिंदगी जीने में बहुत इच्छा होती है जो वो कभी जी नहीं सकी। वो अपने किसी मिशन पर अपने टारगेट पर नजर ही रखी हुई थी कि तभी वो पास में एक टीनेजर पार्टी को देखती है। वो उन सभी को पार्टी एंजॉय करता देख ये रियलाइज करती है कि उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। वो सोचने लगती है कि उसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया है और वो अब अपनी टीनेज लाइफ को बेकार नहीं जाने दे सकती। वो ये डिसाइड करती है कि मौका मिलते ही वो इस इंस्टीट्यूशन से भाग जाएगी, मगर ऐसे करने से पहले ये जानना होगा कि एक नॉर्मल लड़की कैसे होती है। अब वो टीनेज लड़कियों के बारे में जानने के लिए गर्ल्स प्रिंसेस डायरी और क्लूएस जैसी मूवीज देखती है। जब भी वो अपने मिशन पर होती है तो वो कुछ मैगजीन्स भी खरीद लेती है जिसे वो चुपचाप से बोरिंग मीटिंग के वक्त पढ़ती है। एक दिन उसकी यही आदत उसकी मुसीबत बन जाती है जब हार्डमैन उसे वो मैगजीन पढ़ते हुए देख लेता है और वो उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में बता रहा होता है। हार्डमैन उससे कहता है कि तुम्हारा अगला मिशन काफी खतरनाक है, तुम इसे सीरियस लो। फिर दिखाते हैं एक आर्म्स डीलर और माफिया की सबसे खतरनाक लड़की जिसका नाम विक्टोरिया है। उसे 8 घंटे पहले एक शहर में लोकेट किया गया है। हार्डमैन कहता है उसे 2 दिनों के अंदर जिंदा पकड़ना होगा, नहीं तो वो फिर से गायब हो जाएगी। नंबर 84 इस मिशन पर जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से वो हार्डमैन की फेवरेट बन जाएगी। अब कट करके दिखाते हैं विक्टोरिया एक कंस्ट्रक्शन जोन में 3 बंदियों के साथ मौजूद है जिन्हें वो बेइज्जत करके उनके मुंह से कपड़ा हटाती है और तभी अचानक फीमेल हॉस्टेज के मुंह से कपड़ा हटाने से पता चलता है कि वो नंबर 83 है और पलक झपकते ही वो नॉक्स पर अटैक कर देती है और उसके सारे आदमियों को मार गिराती है। अब वो नॉक्स को एक हुक से बांध देती है जो उसके ऊपर जा रहे एक एरोप्लेन से बना होता है। उन दोनों को ऊपर खींच लिया जाता है और नंबर 83 का मिशन पूरा हो चुका है, मगर नॉक्स के पास अभी भी उसकी बंदूक है जिससे वो नंबर 83 पर शूट करती है। नंबर 83 चाकू से रस्सी काट कर नीचे नदी में गिर जाती है और नॉक्स को ऊपर प्लेन में खींच लिया जाता है। जब हार्डमैन नंबर 83 को नहीं देखता तो वो उसके हाथ पर लगे एक डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करता है। नंबर 83 नदी से निकल कर हार्डमैन को सुन लेती है, मगर उसका कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसके पास यहाँ से भागने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता और ये उसके पास आखिरी मौका था यहाँ से निकलने का, इसीलिए वो उस डिवाइस को फेंक देती है। वहाँ एरोप्लेन में हार्डमैन को बताया जाता है कि नंबर 83 से उन्हें कोई भी ऑडियो या विजुअल नहीं मिल रहा। वो उसे इनएक्टिव डिक्लेयर करके विक्टोरिया से पूछताछ जारी रखता है। कट करके दिखाते हैं कि नंबर 83 एक न्यू आइडेंटिटी बना रही है जिसका नाम मेगन रखती है।
वो न्यूटन शहर में एक हाई स्कूल में एडमिशन ले लेती है और रहने के लिए एक वेबसाइट के जरिए एक परिवार को खोज लेती है। एयरपोर्ट पर वो परिवार उसे वहाँ लेने आता है। इनमें से एक माँ है जिसका नाम मिसेस लार्सन है, उसका बेटा पार्कर है और उनकी सरकास्टिक टीनेज बेटी लिज है। लिज उसके वहाँ आने से खुश नहीं है और उसके साथ एडजस्ट होने में भी उसे बहुत दिक्कत होती है। उसे वो बातें अजीब लगती है कि मेगन नॉर्मल से चीजों जैसे स्कूल बस में बैठने के लिए काफी एक्साइटेड होती है, मगर फिर भी अपनी माँ को खुश करने के लिए वो मेगन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब कट करके दिखाते हैं कि स्कूल के पहले ही दिन मेगन बड़े अजीब कपड़ों में आती है जिससे सभी उसको घूर रहे होते हैं। उसे वहाँ आए कुछ ही देर हुई होती है कि एक बदमाश लड़का जिसका नाम पूछ है उसे ताजा माल कहकर पुकार रहा होता है और इसी पर सब उस पर हंसने लगते हैं। उसे बेहतर महसूस करने के लिए लिज उसे पहनने के लिए थोड़े अच्छे कपड़े देती है। मॉर्निंग असेंबली में मेगन को एक फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट होने के नाते बहुत कुछ बातें करनी थी। स्टेज पर जाने से पहले वो एक पढ़ाकू लड़के से मिलती है जिसका नाम रोजर है, जो स्कूल के बैंड के लिए ऑडियो वीडियोस मैनेज करता है और बदले में उसने रोजर को उसकी देखी हुई मूवीज के अकॉर्डिंग नर्ड कहा। वो खुद को पूरे स्कूल के सामने इंट्रोड्यूस करती है, मगर सारे बच्चे उसे तरह तरह के नाम से पुकार रहे होते हैं और उसका बड़ा ही मजाक उड़ाते हैं। वो लोग उसे वापस कनाडा जाने को कहते हैं जहाँ से वो खुद आ गई थी, और अगर मैं भी मेगन होता तो बिल्कुल वही करता। और जब वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं तो स्कूल का बैंड लीडर कैश एक गाने से सबको चुप कराता है। कैश स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है और उसे बहुत लोग पसंद करते हैं। मेगन को भी कैश बहुत पसंद आने लगता है। अब लंच ब्रेक के वक्त कुछ चीयर लीडर्स उसे उनके साथ खाने के लिए बुलाते हैं, मगर मेगन उसकी देखी हुई मूवीज के अकॉर्डिंग उन्हें मतलब ही समझती है और मना कर देती है। वो बायोलॉजी क्लास में रोजर से फिर मिलती है और उससे दोस्ती कर लेती है। रोजर भी मेगन को पसंद करता है, पर मेगन तो बस कैश के बारे में सोच रही होती है और अगले दिन उसे कैश का लैब पार्टनर बना दिया जाता है। अब क्लास की लड़कियां मेगन से कोई दूसरा पार्टनर बनाने को कहती है ताकि वो खुद कैश का पार्टनर बन सके। सारी लड़कियां कैश के लिए प्यासे जो रहती है। क्लास के बाद वो लड़कियां मेगन से कहते कि कैश को वो लड़कियां पसंद है जो स्कूल के मास्कोट का रोल प्ले करती है। अब मेगन बेचारी भोली उन पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लेती है और ये नहीं समझ पाती कि वो लोग उसे फंसा रहे हैं। मेगन ऑडिशन के लिए जाती है और तुरंत उसका सिलेक्शन भी हो जाता है और उसे अगले गाने की प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है। कट करके दिखाते हैं कि प्रैक्टिस के दौरान कुछ मास्क पहने हुए आदमी उसको किडनैप करने की कोशिश करते हैं, मगर मेगन अपनी फाइटिंग स्किल से सबकी धुलाई कर देती है और ये देखकर सभी लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं। ये इतनी अच्छी फाइटिंग कैसे कर रही है? मेगन को लगता है कि वो लोग हार्डमैन के एजेंट होंगे, मगर वो तो बस स्कूल के दूसरे बच्चे होते हैं, बदमाश बच्चे जो बस परेशान करने आए थे। जब तक मेगन ये रियलाइज करती है, लोग उसका वीडियो बना लेते हैं और उसको तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर लेते हैं। अब मेगन ये सोचकर बहुत डर जाती है कि अगर ये वीडियो किसी ने देख लिया तो मुझे पहचान लेंगे। कट करके दिखाते हैं हार्डमैन प्रीस्कॉट एकेडमी में विक्टोरिया को इंटरोगेट कर रहा होता है। विक्टोरिया उससे कहती है कि उसका इस तरह से छोटी बच्चियों का बचपन चुरा लेना बहुत ही गलत है, मगर हार्डमैन कहता है कि वो अच्छे काम के लिए वैसा कर रहा है। विक्टोरिया नंबर 84 में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखाती है क्योंकि वो उसे वहाँ से भगाने के लिए इस्तेमाल करेगी। अब बहुत जल्द मेगन का वायरल वीडियो मिल जाता है और वे ये सोचते हैं कि मेगन अब किसी राइवल ग्रुप के लिए काम कर रही है। कट करके दिखाते हैं कि अगले दिन सभी लोग मेगन की फाइटिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो रातों रात स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाती है। जब कैश उसे स्कूल के बाद अपने बैंड प्रैक्टिस में बुलाता है तो उसका दिन तो और अच्छा हो जाता है। वहाँ पहुंचकर वो रोजर से मिलती है और कैश के आने तक उससे बातें करती है। रोजर को मेगन की पर्सनैलिटी बहुत ही पसंद है और वो उससे कहता है कि उनमें बहुत कुछ कॉमन है, मगर मेगन कैश के बारे में इतना ज्यादा सोच रही होती है कि वो समझ ही नहीं पाती कि रोजर उसे पसंद करता है। अब कूच अपने घर पर एक हाई स्कूल पार्टी रखता है और मेगन को भी इसमें इन्वाइट कर दिया जाता है। मेगन ये सुनकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है क्योंकि उसने कभी पार्टी एंजॉय नहीं की और सिर्फ उसके बारे में सुनाई है। उस दिन घर जाते वक्त मेगन को प्रीस्कॉट एकेडमी के लोग किडनैप कर लेते हैं। हार्डमैन को ये लगता है कि वो किसी राइवल ग्रुप के लिए काम कर रही है और ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसे बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए। वो उसे सच बोलने का इंजेक्शन देता है और देखता है कि वो सच ही बोल रही है। हार्डमैन को ऐसा लगता है कि मेगन की जिंदगी पर पूरा हक उसी का है क्योंकि मेगन को उसी ने सब कुछ सिखाया है। अब वो उसे दो दिन में बेस लौटने के लिए बोलता है और फिर हार्डमैन के आदमी उसे घर के बाहर फेंक देते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो बस नशे में है। और मेगन रोजर से अगली बार मिलने पर उसे कूच की पार्टी में बुलाती है, मगर रोजर उस पार्टी में जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके पापा पार्टीज को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। अब मेगन कहती है कि रोजर के वहाँ होने से मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पूरे स्कूल में बस रोजर ही उसका दोस्त है। उस रात मेगन लिज के साथ पार्टी में जाती है जिसे उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे मेगन के साथ भेजा होता है। वहाँ वो नंबर 84 को देखती है और बिल्कुल चौंक जाती है, जो वहाँ हीथर नाम से आई भी होती है। उसे ऐसा लगता है कि हीथर को हार्डमैन ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा है,
मगर हीथर इस बात को ना तो मानती है और ना ही मना करती है। रोजर भी उस पार्टी में मेगन के लिए आता है, मगर उसे कैश को किस करता देखकर वो निराश हो जाता है। अब पार्टी के खत्म होने तक कैश उसे उसकी होमकमिंग डेट बनने के लिए कहता है। कट करके दिखाते हैं कि अगले सुबह हार्डमैन मेगन के स्कूल के बस ड्राइवर के भेस में आया होता है। वो वहाँ मेगन को चेतावनी देने आया है कि विक्टोरिया प्रेस्कॉट एकेडमी से भाग गई है और वो उससे बदला लेने की प्लानिंग कर रही है। वो उसे प्रेस्कॉट एकेडमी वापस आने के लिए कहता है, मगर वो मना कर देती है। अब बाद में दिखाते हैं कि मेगन और लिज कार में स्कूल जा रहे होते हैं, तभी उन पर एक मास्क पहना हुआ असासिन अटैक कर लेता है। कार चेस करते वक्त मेगन लिज को अपनी जिंदगी की असल सच्चाई बताती है। कुछ देर के बाद दोनों की कार एक जंकयार्ड में क्रैश हो जाती है। अब वो असासिन कार से बिल्कुल गायब हो जाता है, मगर मेगन उसके परफ्यूम को सूंघकर बता देती है कि वो हीथर ही थी। लिज कार क्रैश होने के बाद हॉस्पिटल में है, तभी मेगन वहाँ से चली जाना चाहती है इससे पहले कि उसकी वजह से किसी और को चोट लगे, मगर लिज उससे कहती है कि ऐसा करना और भी गलत होगा। उस दिन से दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और मेगन लिज को अपनी एजेंट लाइफ के बारे में सब कुछ बता देती है। अब वो दोनों होमकमिंग के लिए एक साथ कपड़े पहन लेते हैं और एक दूसरे को तैयार भी करते हैं। लिज गूच के साथ होमकमिंग पार्टी में जाती है, जो पिछली पार्टी में लिज से मिलकर सुधर चुका है। अब बेचारी लिज को क्या पता कि गूच अभी भी पहले वाला बदमाश ही है। वही दूसरी ओर मेगन कैश के साथ जाती है। मेगन ने सोचा था कि वो रात बहुत ही खास होगी, मगर कैश तो उसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा होता है। वो समझ जाती है कि कैश का पूरा ध्यान बस सबसे पॉपुलर होने में लगा हुआ है। मेगन कैश को छोड़कर अब रोजर के साथ जाती है और उसे डांस के लिए पूछती है, मगर रोजर भी उसे मना कर देता है। रोजर के मना करने पर हीथर चौंक जाती है और रोजर फिर हीथर के साथ डांस करने चला जाता है। दोनों लड़कियां रोजर के लिए लड़ने लगती है और पार्टी का सारा डेकोरेशन खराब हो जाता है। वे दोनों लड़ते लड़ते किचन में पहुंच जाती है और हीथर मेगन को चाकू से मारने वाली होती है कि तभी लिज चुपचाप से आकर हीथर के पैर में टूथपिक चुबा देती है और मेगन उसके सर पर मारकर उसको गिरा देती है। कट करके दिखाते हैं कि वो दोनों लड़कियां अपने घर जाती है, तो वहाँ विक्टोरिया और उसके आदमियों ने मिसेस लैटसन और पार्कर को बंदी बना रखा होता है। मेगन सबसे लड़ रही होती है कि उनमें से एक लिज को पकड़ लेता है। मजबूरन मेगन को परिवार की सेफ्टी के लिए सरेंडर करना पड़ता है, मगर फिर भी वो उम्मीद करती है कि हार्डमैन उसे बचाने जरूर आएगा। अब विक्टोरिया मेगन के भोली होने पर हंसती है। वो उसे बताती है कि ठीक उसी की तरह विक्टोरिया भी प्रेस्कॉट एकेडमी से भाग गई थी। वो मेगन को लड़ाई के लिए चैलेंज करती है और उसे आसानी से हरा देती है। तभी अचानक हार्डमैन अपने साथियों के साथ विक्टोरिया को पकड़ने के लिए और मेगन की मदद करने के लिए आता है। वो वहाँ घुसकर विक्टोरिया को बेहोश कर देता है और मेगन हार्डमैन को गले लगाकर उसका शुक्रिया करती है। कट करके दिखाते हैं कि वो रोजर को उसके घर जाते वक्त रोकती है और उससे अपने साथ ले लेती है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।